जो हम काटते हैं, हम लोग उसमें अनुसूची दो के अनुसार, राजपत्र प्रकाशित अनुसूची दो के अनुसार न्यायालय का काम कर रहे होते हैं। आपको फाइन कर दिया, एक छोटा क्राइम है, माइनर एक्ट का क्राइम है, तो हमने उसमें बना दिया कि आपने क्राइम किया था, आपको फाइन निश्चित किया हुआ। अगर आप एग्री हम लेंगे, लेकिन अगर आप एग्री नहीं तो हम नहीं लेंगे। साथ ही साथ आपसे फाइन लेने के लिए हमारा एग्री होना भी जरूरी कि हाँ आपने जो है कानून को तोड़ा था, लेकिन अब मान गए कि आप कानून नहीं तोड़े, इसी बात पे कोई फाइन होता है। अदरवाइज आप न्यायालय जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी बात रखिए कि साहब मैं तो सही था, मैं तीन सवारी था सही था, मैंने हेलमेट नहीं लगाया था मैं सही था, मेरे पास लाइसेंस उस समय नहीं था मैं सही था। तो न्यायालय जितना आपको फाइन करना कर दे, हमको कोई आपत्ति नहीं। चलो बढ़ाओ बढ़ाओ तो लाग लगा क्या बंसी भाई चालान काटते हुए साथ में चलिए, आप चलकर देख लीजिए। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, स्कूल 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 चले हम। और होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी श्री शुक्ला जी और यातायात पुलिस छिंदवाड़ा एसपी सर के निर्देश पर ये कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई कर रही है, जिसमें ऐसे वाहन जो बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं, या जिन्होंने तीन सवारी बिठाई हुई है, या जिन्होंने किसी वाहन के किसी भी बॉडी के मैक में परिवर्तन किया है, या बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं, या रेड लाइट का जंप कर रहे हैं, ऐसे वाहनों पर, साथ ही साथ जिन्होंने कोई किसी तरीके से परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, इन वाहनों पर ये संयुक्त कार्रवाई RTO और यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है। ये कार्रवाई सतत चलती रहेगी। आज लगभग 55 वाहनों पर ये कार्रवाई की गई है, और कुछ वाहनों में जिनमें ऐसा पाया गया कि अगर वाहन के संपूर्ण कागजात हैं और वैलिड लाइसेंस है, उन वाहनों को फाइन करके छोड़ा गया है, और ऐसे वाहन जिनकी किसी भी पेपर की कमी है, ऐसे वाहनों को जब्त किया गया है। 13 वाहन यातायात थाने में जब्त करके रखाए गए हैं, और यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। कल दिन में भी और शाम के समय भी अलग अलग स्थानों पर, विशेषकर ऐसे स्थानों पर जहां पर दोपहिया वाहन का आना जाना अधिक है, और इवनिंग टाइम पर जहां पर भारी वाहनों का आना जाना अधिक है, यानी कि शहर के बाहर रिंग रोड पर, ये कार्रवाई RTO और यातायात पुलिस के द्वारा आगामी दिनों में लगातार चलाई जाएगी। हमारा शहर के यातायात सभी लोगों से निवेदन है, कृपया कर वो दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात सुरक्षा के सभी मानदंडों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाएं, जब वो चार पहिया चलाते हैं तो वो यातायात साइन और रोड साइन का ध्यान रखें, और सीट बेल्ट को धारण करें, और जब भारी वाहन जब चला रहे होते हैं या छोटे मार्ग से बड़े मार्ग में आ रहे होते हैं, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बहुत नियंत्रित गति से वाहन को चलाएं, ताकि वो सुरक्षित अपने घर तक, अपने मंजिल तक पहुँच सकें। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पह
पहचाना।